अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री में भारत अगेन वो लिमिट्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहले उसने दिया फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। अगर मैं टू पॉजिटिव की बात करूं, दो से थोड़ा सा बड़ा, तो आपके पास ये ग्राफ टू पे आके क्लोज हो चुका है। तो टू पॉजिटिव के केस में आपका ग्राफ ये ऊपर वाला यूज़ होगा, ये वाला। तो टू पॉजिटिव पे जो लेंथ आ रही है वो वन टू आ रही है। तो मैं लिखूँगा एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू टू पॉजिटिव, ये इक्वल है वन टू के, ठीक है। f ऑफ x x अप्रोचिंग टू टू नेगेटिव, तो टू नेगेटिव के केस में दो से थोड़ा छोटा, तो उस केस में ये वाला ग्राफ यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपकी बन रही है ऑलमोस्ट वन टू थ्री, ये बन रही है वन। तो आपको अब नज़र आ चुका है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बी पार्ट आपका क्लियर है, टू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? हम कहेंगे वाई नॉट, इसलिए क्योंकि टू पॉजिटिव पे और आंसर है, टू नेगेटिव पे और आंसर है। फोर पॉजिटिव और फोर नेगेटिव के केस में सेम हाइट बनेगी, सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो बस ये सारे आंसर हो गए। फोर पॉजिटिव पे भी यही वाला ग्राफ यूज़ होगा और फोर नेगेटिव पे भी यही ग्राफ यूज़ होगा। तो ये ग्राफ बेसिकली टू पे टूट रहा है, टू पे टूटने की वजह से आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफ से ना देखूँ तो भी मैं इस क्वेश्चन को बता सकता हूँ। लेट्स से कि मैं ग्राफ को नहीं देखना चाहता, मैं बस इसको देखना चाहता हूँ जो मुझे उसने ये दे रखा है। उस केस में हम देखें इन चारों का आंसर कैसे बताएंगे। नंबर वन, एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू टू पॉजिटिव, तो टू पॉजिटिव का मतलब है दो से बड़ा। तो आप देखोगे इधर इसमें एक्स लेस देन टू है, इसमें एक्स ग्रेटर देन टू है। तो मैं दो से बड़ा, मैं ये वाला फंक्शन चूज़ करूँगा, टू पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन टू, ठीक है। टू पॉजिटिव जो है ये सेम है एक्स ग्रेटर देन टू के। तो फंक्शन चूज़ किया जाएगा एक्स ओवर टू प्लस वन एक्स अप्रोचिंग टू टू पॉजिटिव, इसमें पुट करेंगे लिमिट टू, तो टू ओवर टू वन आ गया, वन प्लस वन तो आंसर आ गया टू। देखें बिल्कुल वही आंसर है जो मुझे ग्राफ से नज़र आ रहा है। अब मैं ग्राफ को नहीं देख रहा बल्कि मैं इसको देख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू नेगेटिव, तो उस केस में मैं फंक्शन चूज़ करूँगा ये नीचे वाला ऊपर वाला टू नेगेटिव एक्स लेस देन टू। टू नेगेटिव का मतलब है एक्स दो से छोटा है, थ्री माइनस एक्स, इसमें लिमिट पुट करूँगा टू, तो थ्री माइनस टू आंसर वन आएगा जो मेरा ग्राफ से देख के भी आया था। तो चाहे आप ग्राफ से देख के उसको बता दें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या आप इस क्वेश्चन में टू पॉजिटिव टू नेगेटिव के अंदर लिमिट पुट करके बता दें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। फोर, फोर के ऊपर अगर आप लिमिट चेक करना चाहते हैं तो एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू फोर पॉजिटिव, जिस फोर से थोड़ा सा बड़ा, तो फोर से बड़ा वही होगा जो टू से भी बड़ा है, क्योंकि टू के बाद ही फोर आएगा। तो फोर पॉजिटिव के केस में ये वाला फंक्शन लिया जाएगा एक्स ओवर टू प्लस वन वाला, उसमें आप पुट करके देख लें क्या आंसर आता है फोर पुट करके। तो फोर पुट करने से आंसर आएगा फोर ओवर टू प्लस थ्री आंसर आएगा, और फोर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू फोर, फोर नेगेटिव का मतलब है फोर से थोड़ा सा छोटा, तो वो ये यूज़ होगा। फोर से छोटा जो होगा थोड़ा सा, वो टू से तो बड़ा ही होगा। फोर नेगेटिव का मतलब फोर से थोड़ा सा छोटा, तो वो ये तो नहीं हो सकता कि वो माइनस वन, फोर से थोड़ा छोटा लेट से थ्री पॉइंट नाइन कह लें, तो वो इधर करके टू के तो बाद ही आएगा ना। तो फोर पॉजिटिव और फोर नेगेटिव के केस में दोनों दफ़ा यही फंक्शन यूज़ होगा, ऊपर वाला फंक्शन कभी भी यूज़ नहीं होगा। सो आपकी फोर पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों दफ़ा सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने खुद ही करना है। फोर में आप लोगों ने टू पे लिमिट के बारे में बताना है या वन पे,
तो टू पे ये टू नेगेटिव के केस में ये वाला फंक्शन आप लोगे, टू पॉजिटिव के केस में आप ये वाला फंक्शन लोगे, आंसर सेम आएगा मेरे ख्याल से। इसमें टू पुट करोगे इसमें भी आंसर वन आएगा, इसमें टू इसमें भी। तो इस ग्राफ से भी आप देखो टू पॉजिटिव पे और टू नेगेटिव पे आंसर आपका वन ही आ रहा है, तो लिमिट टू पे एग्जिस्ट करेगी। और वन माइनस वन की बात कर रहा है, और माइनस वन देखिए ना, माइनस वन अगर आप ग्राफ से देख लो तो ज़्यादा बेटर है, माइनस वन इधर करके होगा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और वैसे भी अगर माइनस वन देखो तो ये वाला फंक्शन का माइनस वन जो होगा उससे थोड़ा बड़ा भी जो नंबर होगा और उससे थोड़ा छोटा भी, वो आपका क्योंकि माइनस वन टू से लेस नंबर होता है आपको पता है, तो टू से लेस होने की वजह से आपने आपने दोनों दफ़ा ये वाला फंक्शन ही चूज़ करना है। और अगर नहीं करना तो फिर आप ग्राफ से ही देख लो, माइनस वन को माइनस वन की राइट से जाओ या माइनस वन की लेफ्ट से जाओ, एक जैसी हाइट बनेगी तो लिमिट माइनस वन पे एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ग्रेटर देन ज़ीरो पर देखते हैं, ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो कोई फंक्शन देखिए ऐसे अजीब सा बन रहा है, ऊपर नीचे चलता है, ऐसे ऐसे होता जा रहा है, तो ग्रेटर ज़ीरो से थोड़ा अगर आप बड़ा देखें तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसको देख लें, ज़ीरो से अगर आप लेस देखते हैं ग्राफ से अगर आप देखें, तो पहले ज़ीरो पॉजिटिव देख लेते हैं, ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब है ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा, उधर देखें आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, कभी इधर चली जाती है ज़ीरो से थोड़ा आगे, कभी नीचे ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है, ये देखें ऐसे ऐसे जो है ना ऊपर नीचे ऐसे ग्राफ ऐसे ऐसे बन रहा है ज़ीरो से थोड़ा उस तरफ, तो ज़ीरो पर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर है कभी बहुत ज़्यादा नीचे है, तो ज़ीरो की राइट पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू है ही नहीं है। लेकिन ज़ीरो की लेफ्ट पे अगर देखें आप, तो ज़ीरो की लेफ्ट से ग्राफ ये बिल्कुल सीधा सा बना हुआ है, और ज़ीरो की अगर आप ग्राफ तक आएंगे तो आपको पता है चूँकि टच है साथ तो लेंथ बनेगी ज़ीरो, तो इसकी इसका आंसर ज़ीरो है, और इसका आंसर जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि ये कोई एक ख़ास वैल्यू नहीं है, कभी ज़ीरो के बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यू चली जाती है बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे अगर आप क्वेश्चन से भी देखें, यानी कि ये जो दिया हुआ उसने ये वाला ग्राफ को ना देखें, तो ज़ीरो पॉजिटिव, ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब है ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो वो नीचे वाला यूज़ होगा साइन वन ओवर एक्स, तो साइन वन ओवर एक्स जो है जब इसमें आप ज़ीरो लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा साइन वन ओवर ज़ीरो। अब वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है, और साइन में कोई भी नंबर दें साइन आंसर देता है माइनस वन और वन के दरमियान में, तो ये कुछ भी आंसर दे देगा बिटवीन माइनस वन एंड वन। ठीक है, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आप ज़ीरो पुट करेंगे, वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी आएगा, तो साइन इसने कुछ कोई भी रियल नंबर दें माइनस वन और वन के दरमियान में कुछ भी आंसर आ सकता है, तो हम कहेंगे एनी रियल नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन, क्योंकि साइन की रेंज मैंने आपको बताई थी कि माइनस वन और वन के दरमियान में होती है। लेकिन अगर आप एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो नेगेटिव करें तो वो ऊपर वाला फंक्शन यूज़ होगा ज़ीरो वाला, उसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो, तो दोनों दफ़ा आंसर देखें डिफरेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे ज़ीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये वाला स्टेप अगर आपको ना समझ में आए तो आप ये मेरे से दोबारा पूछ लें। ठीक है, जब आप इसमें ज़ीरो, ये वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी हो रहा है, साइन 7000 भी आप लगाओ तो कोई इसका आंसर या माइनस वन आना है या वन आना है या उनके दरमियान में आना है, कुछ भी आ सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या आएगा, इसलिए हम लिख देते हैं एनी नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये दे देगा बिल्कुल, इधर भी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये कुछ भी आंसर देगा लेकिन वो माइनस वन होगा या वन या उनके दरमियान में होगा, तो हो सकता है वो ज़ीरो हो सकता है वो ज़ीरो ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का आंसर सेम है, दोनों का इसका लेट्स से क्या आंसर 0.5 आ जाए, इसका तो पक्का ज़ीरो है ना, ये तो उसने दिया हुआ ज़ीरो, तो हम कहेंगे लिमिट ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करनी। ग्राफ से भी आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़ीरो के पॉजिटिव पे
आंसर जो है वो कैसे आ रहा है, -1 और 1 तक, देखिए 1 तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, तो कोई भी आंसर 0 की राइट से ग्राफ तक मैं अगर जाना चाहता हूँ तो -1 और 1 के दरमियान में कोई भी नंबर आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं 0, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे ये इस तरह से ग्राफ अगर आप इधर से शुरू करेंगे कोई, तो उसको आंसर और मिलेगा, कोई इधर से शुरू करेगा 0 के थोड़ा सा, कोई 0.1 लेगा उसको और आंसर मिलेगा, कोई इधर से शुरू करेगा 0 से थोड़ा सा उसको और आंसर। सो 0 की जितनी राइट से शुरू करेंगे हर किसी को डिफरेंट आंसर मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है आप किधर से शुरू कर रहे हैं 0 की राइट से। ठीक है, तो 0 की राइट से डिफरेंट जगहों से जो अगर आप ग्राफ तक जाना चाहेंगे तो डिफरेंट हाइट्स आपको मिलेंगी। मैं आपको इसका जो है ना ग्राफ दिखाता हूँ। ये तो गेम में चला गया। नेट एक्चुअली स्लो है तो ये इसका ग्राफ है sin 1/x का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 0 की राइट से डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट आंसर है। ये देखें, कभी 0.1 है। सो डिफरेंट जगहों से आप चूज़ करेंगे 0 की राइट से तो डिफरेंट आंसर आएंगे, और इधर भी डिफरेंट आंसर हैं तो हम कहेंगे 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।